हेलो एवरीवन, मैं आज आपको लेसन नंबर 6 मेल झोल से रहूं सदा। इस लेसन में हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ना कि अकेले ही कोई भी चीज़ खाओ। सब चीज़ें बांट के खानी चाहिए, सबके साथ मिल के खेलना चाहिए, ना कि अकेले ही मैं अकेला ही खेलूँगा, मुझे मम्मी ने दिया है तो मैं अकेला ही खाऊँगा, ऐसा नहीं। सबके साथ मिलजुल के रहो, सबके साथ बांट के खाओ। लेसन। एक थी बिल्ली किट्टी, बहुत ही स्वार्थी, किसी के साथ बात करना उसे ज़्यादा पसंद नहीं था, बस अपने मतलब की बात करती थी। दूसरी बिल्लियों से साथ बात करना, खेलना भी उसे पसंद नहीं था। मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी, मुझे केवल खेलना ही अच्छा लगता है, वह कहती ही थी। जब वह खा रही होती थी तो कोई उसके पास नहीं जाता था, सब जानते थे कि वह यही कहेगी, जाओ यहाँ से मुझे खाने दो, तुम जाकर अपना खाना खाओ। कोई भी चीज़ बांटना उसे पसंद नहीं लगता था। एक दिन उसके दोस्त उससे बोले, किट्टी चलो तुम्हारे गेंद से खेलते हैं, हाथ मत लगाना मेरी गेंद को, वो चिल्लाई, मेरी गेंद खराब हो जाएगी। उसके दोस्त वापस चले गए, वह अकेले ही अपनी गेंद से खेलने लगी। गेंद को पैर से लुढ़कती, फिर दौड़कर उसे लेकर आती। काफ़ी देर तक वो अकेली खेलती रही, जब थक गई तो वह बैठ गई। तभी उसने देखा कि बहुत सारी चिट्टियाँ खाना एकत्रित कर रही थी, वे खाने को उठाकर भी लेके जा रही थी। कुछ चिट्टियाँ मिलजुल कर बड़े बड़े टुकड़े भी खिसका दे रही थी। किट्टी को अच्छा लगा, उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी चिट्टियाँ चहचहा रही है, वे साथ मिलकर एक मीठा गीत गा रही थी। किट्टी को अच्छा लगा। फिर उसने देखा फूलों की क्यारी के ऊपर बहुत सारी तितलियाँ उड़ रही है, वे साथ मिलकर फूलों का रस पी रही है। किट्टी को अच्छा लगा। उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियाँ का एक बड़ा सा छत्ता है, सभी मधुमक्खियाँ मिलजुल कर फूलों के रस से शहद बना रही है। किट्टी को अच्छा लगा। उसने देखा कि सभी मिलजुल कर काम करने कितने प्रसन्न हैं। अचानक उसने बहुत अकेलापन लगने लगा। काश मेरे दोस्त भी मेरे साथ होते, तो उसने सोचा। वह अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ी। उसने सभी जगह उसे ढूंढा, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए। किट्टी उन्हें ढूंढे ढूंढे पूरे बगीचे में घुमाई, पर वही झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे थे, पर किट्टी को दिखाई नहीं दी। किट्टी को वो देखते बहुत आवाज़ भी दी, पर वो नहीं निकले। आखिर वह थक कर बैठ गई और उदास होकर देखने कर वो दुखी हो गई। वे एक एक करके उसके पास आ गए। किट्टी खुश हो गई, वह बोली, मेरे साथ खेलोगे? लेकिन तुम्हें तो किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। वे एक साथ बोले, मैं अब समझ गई हूँ कि साथ साथ मिलकर खेलने में ही मज़ा है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पर यूँ नहीं चिल्लाई थी। सब दोस्त खुश हो गए। उसके बाद वे हमेशा साथ साथ खेलते थे और साथ ही सो जाते थे। किट्टी जान गई थी मेल जोल से रहने में ही मजा है, इसलिए हमें भी सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए।